Class 7 Science, Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. So, dear students, we already have studied about the transportation in animals. Now is the turn for transportation in plants. Transportation of water and minerals. Plants mein water aur minerals ka transportation kaise hota hai? The root of the plant absorb the essential minerals and water from the soil. प्लांट्स की जो रूट रहती हैं एसेंशियल मिनरल और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं सॉयल से एब्जॉर्ब करती हैं. द रूट हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम. रूट में क्या होता है पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. दीज हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स एंड हैंस अलाउ मोर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रूट में पाए जाने वाले जो हेयर्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जिससे ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन आप रूट देख सकते हो डायग्राम में. नीचे रूट दी गई है, रूट में पतले पतले एयर्स हैं, वाटर है, वाटर में एयर है. देखिए कैसे एब्जॉर्ब करता है इस तरीके से. फ्रॉम द रूट द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यूज. रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो होते हैं प्लांट्स के पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लांट्स बॉडी में स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है. दीज आर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स. ये दो तरह के होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, है ना, वैसे ही प्लांट्स में दो तरह के वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. तो पहला है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम. इन दोनों का काम अलग अलग होता है. जाइलम इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट्स. ये वैस्कुलर टिश्यू होता है जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द रूट सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू जाइलम. रूट सेल्स क्या करती हैं, यानी कि जो रूट होती हैं, रूट की सेल्स जो होती हैं वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं. और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद यही वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम. जाइलम कैरीज टू अदर पार्ट्स यूनिडायरेक्टली विदाउट यूजेस ऑफ एनर्जी. जाइलम जो होता है इसको डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. यूनिडायरेक्शनली होता है ये, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, यानी कि ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी. फिर आता है फ्लोएम. फ्लोएम इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे कि हमको पता है कि प्लांट्स का फूड फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, है ना, स्टार्च बनता है जो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है. तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट तक में कैसे होता है, तो जैसे कि आपको पता है कि इट इज़ अ वैस्कुलर टिश्यू. फ्लोएम क्या होता है, एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. प्रोड्यूस बाय द लीव्स, और फूड प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीव्स में होता है. लीव्स इसका सोर्स होता है जो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. दिस फ्लो इन द बायोडायरेक्शनल, ये बायोडायरेक्शनल होता है. बायोडायरेक्शनल मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ. एंड यूटिलाइज एनर्जी, ये एनर्जी का यूज़ भी करता है. जबकि जो जाइलम होता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का यूज़ किए हुए ये क्या करता है, फूड का, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है. दिस इज़ नोन एज द ट्रांसलोकेशन, इसको ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है. आप देख सकते हो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम दिया गया है. जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज. सुक्रोज मीन्स, सुक्रोज जो बनता है लीप्स में ग्लूकोज के रूप, ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है. कंपेनियन सेल, सोर्स ऑफ लीप्स, स्ट्रिंग सेल, देख सकते हो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. नाउ इज द ट्रांसपायरेशन. समटाइम्स नॉट ऑल द वाटर दैट प्लांट ऑब्जर्व इज यूज बाय दैम. कभी कभी ऐसा होता है कि जितना भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसका पूरा यूटिलाइज नहीं करता है. तो हैंस दे नीड टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर इन दैम. तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब वाटर एक्सेस क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है तो उसको प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपायरेट करते हैं. दिस लूज ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन विच द वाटर इवेपोरेट इन द एटमोसफियर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लिप्स. तो क्या होता है, इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर
प्लांट्स बॉडी में होता है उसको इवापोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू। मींस कहने का ये है कि जितना, जैसे कि आपने प्लांट को पानी दिया, प्लांट्स के रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जितना वाटर यूज़ हो गया तो ठीक है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, और जब वाटर एक्सेस क्वांटिटी में बचता है जो यूज़ नहीं होता है उसको प्लांट्स क्या करते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवापोरेट कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू दैम। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं, दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर थ्रू दैम। जैसे कि हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, नोज होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं गैसेस के एक्सचेंजमेंट के लिए, वैसे ही प्लांट्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं गैसेस के एक्सचेंजमेंट के लिए। ट्रांसपायरेशन रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एज द वाटर फ्रॉम द लीव्स इवापोरेट इट जनरेट अ सक्शन पुल इन द प्लांट्स दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड। ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, वाटर इट जनरेट एक सक्शन पुल बन जाता है प्लांट्स में, ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट अपवर्ड। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द कूलिंग डाउन द प्लांट्स, एज द वाटर इवापोरेट इट यूटिलाइज द हीट ऑफ द प्लांट एंड रिजल्ट इन कूलिंग ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन की हेल्प से क्या होता है, प्लांट्स के आसपास का बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कूल डाउन हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। आप देख सकते हो डायग्राम में ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में कैसे होता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, वाटर ट्रेवल थ्रू प्लांट एंड वाटर इवापोरेट फ्रॉम लीव सरफेस। ये हो गया। अब रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा कैसे होता है, स्टोमेटा जो होता है आपकी लीव्स की सरफेस में पाया जाता है, ये CO2 हो गया, CO2 इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पत्तियां लेती हैं, हमको पता है, आपको पता है ना प्लांट्स क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट थ्रू अ लीव स्टोमेटा। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसमें हम लोगों ने पहले दो तरह के वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल सी थ्योरी है, जाइलम जो होता है न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट करता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है और ये बिना एनर्जी के यूजेस के काम करता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होने वाला सुक्रोज यानी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है, उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये बायोडायरेक्शनल होता है, ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी करता है, एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। आप डायग्राम भी देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम फ्लोएम कैसा होता है। ट्रांसपायरेशन भी आप समझ सकते हो, ट्रांसपायरेशन मतलब क्या होता है, कभी कभी प्लांट्स में जब ज़्यादा वाटर एक्सेस क्वांटिटी में वाटर लेफ्ट होता है, बचा हुआ रहता है, तो उसको प्लांट्स क्या करते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज कर देते हैं, इवापोरेट हो जाता है वो पार्ट वाटर, तो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटा के थ्रू ये होता है। ट्रांसपायरेशन रिजल्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, एक सक्सेशन पुल बन जाता है वाटर में दैट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड। अब ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, प्लांट्स के आसपास का एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो जाता है, यानी एक तरह से ट्रांसपायरेशन जो होता है प्लांट्स को काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। सो आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेसन। बुक में भी आपका दिया हुआ है, बुक को भी एक बार ज़रूर रीडिंग कर लीजिएगा। So, thank you and have a nice day.